जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के फलों व सब्जियों में होने वाले रोग, और वो भी आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है, आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछ लूंगा 4-5 प्रश्न, आप उत्तर भी बता देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल से। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब में आपको सर्च करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ट्रिक आपको बताएंगे अग्नि निर्जरा रोग किससे संबंधित है। अग्नि निर्जरा रोग बताना है आपको, 2 सेकंड दिए जाते हैं, 4 विकल्प में से आप चयन करके उत्तर जरूर बताएं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अग्नि निर्जरा रोग संबंधित है सेव से। आपने सेव खाया होगा, ये सेव है ना, कईयक के तो जीभ में पानी आ गया होगा, तो ये सेव है, ठीक है। और इससे संबंधित जो रोग है वो कौन सा, अग्नि निर्जरा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सेव की खेती है और यहाँ पर क्या लग गई है, अग्नि लग गई है, तो आप क्या डालोगे, नीर डालोगे। नीर क्या डालोगे, नीर डालोगे। तो अग्नि निर्जरा काय की खेती में, सेव की खेती में है ना, सेव की फसल में अग्नि लग गई है, तो आप नीर डालोगे, तो अग्नि निर्जरा जो रोग होगा वो किससे संबंधित होगा, सेव से संबंधित होगा। याद रख लेना, याद हुआ कि नहीं हुआ, अग्नि निर्जरा सेव से संबंधित। अगला है ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है। ब्राउन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, ब्राउन मतलब क्या होता है, भूरा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें कि धान, गेहूँ, नींबू, फूल गोभी इनमें से भूरा कौन होता है, भूरा, जल्दी से बताएं और उत्तर आपको बताना है। ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही बताया है, फूल गोभी, ठीक है। ब्राउनिंग रोग संबंधित है दोस्तों, ये देखो फूल गोभी, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं भूरी है बिल्कुल, है ना, और ये ब्राउन जो रोग होगा ये फूल गोभी से संबंधित होगा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना है, और फेसबुक पे जुड़ जाना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, अपना पेज है जो, उससे जरूर जुड़ना है। यूट्यूब पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, ठीक है। हर राट रोग बताना है, हर राट रोग संबंधित है किससे संबंधित है, हर राट रोग, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चुकंदर। हर रॉट रोग संबंधित है चुकंदर से। अब आपको याद रख लेना, अगर आप कमजोरी है आपको, तो आपको खाना है हर रात को क्या खाना है, हर रात को खाना है चुकंदर। तो हर रात मतलब हर रात को क्या खाना है, चुकंदर खाना है। तो चुकंदर से संबंधित जो रोग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हर रात, ठीक है, हर रॉट रोग। याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न आपको बताना है, मार्स रोग किससे संबंधित है। मार्स रोग बताना है ये किससे संबंधित है, चुकंदर से, फूलगोभी से, मटर या फिर नींबू से। तो मार्स रोग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, मटर, है ना, मटर से संबंधित है मार्स रोग। अब मार्स से क्या बजाएगा, मास मतलब महीना, है ना, हर महीने आपको क्या खाना है, हर मास आपको खाना है मटर, हर मास आपको मटर खाना है। तो मार्स रोग कौन सी फसल से संबंधित होगा, मटर से संबंधित होगा मार्स, ठीक है। हर मास क्या खाना है आपको, मटर खाना है, ठीक है, तो मटर से संबंधित है। अगला देख लो, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है। बंची टॉप ये किससे संबंधित है, तो आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों, केला आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो चित्र में, ये केला यहां पर बांटे जा रहे हैं, है ना, आपको भी जल्दी पहुंचना है, नहीं तो आप क्या रह जाओगे, वंचित रह जाओगे, वंचित, है ना, टॉप में पहुंचना है हमें, नहीं तो वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा, केला से संबंधित होगा, ठीक है। केला यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, केला आप देख रहे हैं चित्र में, और नहीं तो आप जल्दी नहीं पहुँचे, टॉप में नहीं पहुँचे तो आप वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा, केला से। हो रहा है ना आपको याद, बिल्कुल सही, वेरी गुड, तो लाइक ठोक दीजिए। अगला देखते हैं, टिक्का रोग किससे संबंधित है। टिक्का बताना है आपको, टिक्का हो जाते हैं ना, आप लोग गांव में बोलते हैं टिक्का हो गया यार, तो टिक्का रोग बताना है आपको, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। यहां पर देखो, मूंगफली से संबंधित है, ये है टिक्का रोग। यहां पर आप मूंगफली के पत्ते देख रहे हैं, ये आपको टिक्का टिक्का टिक टिक लगा रहा है, टिक, है ना, हम बोलते ना टिक लगा दो यार, टिक,
तो ये टिक टिक हो गया, इस रोग को कह दिया टिक्का रोग। क्या कह दिया? टिक्का। तो ये मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग, ठीक है। कैसे? मूंगफली से संबंधित है, तो याद रख लेना है मूंगफली टिक्का टिक्का, ठीक है। अगला देख लो, डाईबैक रोग किससे संबंधित है? डाईबैक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे संबंधित है? नींबू से संबंधित है डाईबैक, है ना। और आप जब बालों में डाई करते हो, बालों में डाई तो नींबू अवश्य डालते हो, है ना। बालों में डाई करते हो तो नींबू डालते हो, बालों में डाई करते हो आप ब्लैक करने के लिए, ब्लैक तो डाई ब्लैक करने के लिए नींबू डालते हो, नींबू। और यहाँ पर देखो ये है नींबू, इसमें क्या होता है, ये पत्तों में लग जाती है और इस प्रकार से इसमें पत्ते नहीं बचते पूरे, ये डाईबैक रोग होता है नींबू में, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, डाईबैक रोग होता है काय में, नींबू से संबंधित है, नींबू की फसल से, ठीक है, नींबू के पौधे से संबंधित। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस रोग किससे संबंधित है? आपको यहां नहीं लग रहा कि नेकरोकोसिस, नेक्रोसिस नेकरोकोसिस, है ना, नेकरोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, आंवला, नेकरोकोसिस ये है आंवला, तो नेकरोकोसिस क्या नहीं मिलेगा। अगर आप आंवले लेके जा रहे हो और मैं आपसे बोला हूँ कि दे दो दो चार चटनी के लिए, तो आप बोलोगे नेकरोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आंवला नहीं मिलेगा, नेकरोकोसिस, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला, नेकरोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस आंवला से संबंधित। अगला देख लो दोस्तों, कोटर रोग किससे संबंधित है? कोटर, कोटर बताना है, कोटर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गाजर से संबंधित है, और यह है गाजर, तो इस गाजर को हमें कतर कतर के खाना है, कटर कटर के, कोटर कोटर, है ना, कटर कटर के खाना है गाजर को, तो कौन खाएगा, सभी खाएंगे कटर कटर के, तो कोटर, कोटर रोग किससे हो जाएगा, गाजर से संबंधित है कोटर, ठीक है, कोटर रोग गाजर से संबंधित होगा। अगला देख लो, लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? लाल सड़न रोग, केला से, आंवला से, गन्ना या फिर गाजर से, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गन्ना से संबंधित है। कौन सा, कौन सा रोग है गन्ना से संबंधित? ए, लाल सड़न रोग, है ना, ये कैसे संबंधित है, गन्ना से संबंधित। यहां पर देखो ये है लाल सड़न रोग, इस प्रकार से गन्ना में लाल सड़न रोग लग जाता है और गन्ना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये गन्ना की फसल आप देख रहे हैं, इसमें लाल सड़न रोग लगता है, ठीक है, तो गन्ने से संबंधित है लाल सड़न रोग। अगला देख लो दोस्तों, रस्ट, रस्ट व टुंडू रोग किससे संबंधित है? रस्ट व टुंडू, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं से संबंधित है। रस्ट और टुंडू रोग गेहूं से संबंधित है। अब एक बात बताना दोस्तों, अगर आप किसान हैं या किसान के बेटे हैं या किसानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसान जब गेहूं काट काट के आता है तो वो क्या करना चाहता है, रस्ट करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, ठीक है। और जब ये गेहूं काटता है तो सिर्फ टुंडा रह जाते हैं, टुंडा रह जाते हैं नीचे गेहूं के, इस प्रकार से ये टुंडा, तो टुंडू रोग, और रस्ट करना चाहता है गेहूं काट कर किसान, तो रस्ट और टुंडू ये रोग किससे संबंधित हो जाएंगे, गेहूं से संबंधित हो जाते, ठीक है। किसान क्या करता है, गेहूं काटने जाता है, गेहूं काटने जाता है तो वहां से आता है तो रेस्ट करना चाहता है, तो रेस्ट संबंधित है गेहूं से। अब जब गेहूं काटते हैं तो नीचे उसमें टुंडू, टुंडा रह जाते हैं, तो टुंडू ये भी गेहूं से संबंधित हैं, ठीक है, तो गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, खैरा, खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? इसे झोंका रोग भी कहा जाता है, ब्लास्ट रोग को, तो ये किससे संबंधित है, तब आपका बिल्कुल, कई बार पूछा गया खैरा रोग किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान से संबंधित है रोग, खैरा और ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। यहां पर देखो दोस्तों ये है खैरा रोग, जो धान है वो खैरा जाती है ना, पीली पीली पड़ जाती है, तब इसे खैरा रोग कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये ब्लास्ट रोग है, ब्लास्ट रोग जब हो जाता है तो इसके जो दाने हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता, है ना, ब्लास्ट हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना ब्लास्ट कर दो, मतलब कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही धान में भी क्या होता है कि जो उसके दाने होते हैं, दाने में जब ये ब्लास्ट रोग लगता है तो उस दाने में चावल नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है
और खैरा रोग भी धान से संबंधित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देख लो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है, ब्लैक हट, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आलू से संबंधित है। ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। अब आपने आलू देखा होगा, ये है आलू, इसमें हो गया ब्लैक हट रोग। अब आप जब सब्जी बनाते हो तो ब्लैक को हटा देते हो और इतना काट के सब्जी बना लेते हो, तो ब्लैक हट किससे संबंधित होगा, आलू से संबंधित। ऐसा आलू था, इसमें ब्लैक आ गया, बढ़ता गया और ये पूरा खराब हो गया, तो ये ब्लैक हट रोग आलू से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, आलू से। तो याद रख लेना, आपका याद हो जाएगा, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं ये रोग। हरित बाली रोग किससे संबंधित है, हरित बाली रोग बताना है किससे संबंधित है, गेहूं से, आंवला से, गन्ना से या फिर बाजरा से, हरित बाली। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बाजरा से संबंधित है। ये देखिए, ये है बाजरा, है ना, और इसमें हरित बाली रोग, इस प्रकार से हरित बाली रोग हो जाता है तो कैसे हो जाता है, बाजरा से। और एक और चीज कि आप हरी सब्जी लेने कहाँ जाते हो, बाजार जाते ना हरी सब्जी लेने, तो हरित वाली सब्जी लेने कहाँ जाना है, बाजार, तो बाजरा से बाजरा, ठीक है। तो हरित वाली रोग किससे होगा, बाजरा की फसल में, ऐसे याद भी कर लेना और वीडियो को सभी लाइक कर देना। आप जरा फटाफट से इनके उत्तर बता दो। आपसे पूछा जाएगा ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है, तो आपको कमेंट में लिखना है ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में लिखें, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 2, खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। फिर है डाइबैक रोग किससे संबंधित है, तो डाइबैक जो रोग है ये किससे संबंधित है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो आपको कमेंट में लिखना है वो है बंची टॉप रोग किससे संबंधित है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, है ना। और अपना एक टेस्ट कर लें कि हमने जो पढ़ा था वो अब हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी प्रकार से जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन फेसबुक पेज, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 5000 लोग जुड़े हैं, तो 5000 लोगों के साथ आप भी जुड़ना चाहते हैं अगर, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक, और ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक पर सुमित जैन और ट्विटर पर भी सुमित जैन, ठीक है। तो जो भी MPTET, रीट, CTET, SSC, रेलवे, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और रोज सुबह 8:30 बजे 8:15 पर आपका टर्की वीडियो आता है, दूसरा वीडियो आता है सुबह 9:15 पर, तो देखना ना भूलें, और टर्की वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। जय हिंद।